Dr. Akshita Hasmukh Jain from Hare Krishna Physiotherapy Clinic. आज के वीडियो में हम आपके लिए लेके आ रहे हैं फेशियल मसाज टेक्निक फॉर बेल्स पैल्सी. अगर इस वीडियो को लेकर आपको कोई भी डाउट या क्वेरीज हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डिटेल्स पर आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. बेल्स पैल्सी में हम फेशियल मसाज इसीलिए करते हैं क्योंकि उससे पहला आपके फेस पे ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, दूसरा अगर आपके फेस पर कोई भी स्वेलिंग हो तो वो ड्रेन हो जाती है, तीसरा आपके फेशियल मसल्स को टोन अप करने के लिए, और चौथा आपके मसल फेशिया को रिलीज करने के लिए. मसाज के लिए पहला स्टेप होगा स्ट्रोकिंग. ये करने के लिए आप अपने दोनों हाथ की उंगलियों को माथे के बीचों बीच रख दीजिए और थोड़ा प्रेशर देते हुए अपने उंगलियों को कानों की तरफ ले आइए. इसे आपको 3 बार रिपीट करना होगा. अब आपको आपके दोनों हाथ नॉस्ट्रल्स के बाजू में रखने हैं और थोड़ा प्रेशर देते हुए अपने माथे के बाजू तक ले आना है. इसे भी आपको 3 बार रिपीट करना होगा. अब आपको आपके दोनों हाथ गालों पर रखने हैं और थोड़ा प्रेशर देते हुए अपने माथे के बाजू तक ले आना है. इसे आपको 3 बार रिपीट करना है. अब आपको आपके दोनों हाथ चिन से स्टार्ट करते हुए प्रेशर देते हुए माथे के बाजू तक ले जाना होगा. ये स्टेप आप फिर से 3 बार रिपीट करेंगे. स्टेप 2 होगा नीडिंग. ये स्टेप में आपको अपनी उंगलियां माथे के बीच में रखनी होंगी और थोड़ा प्रेशर देते हुए छोटे छोटे सर्कल्स बनाकर आपके माथे के साइड तक आना होगा. इसे आपको 3 बार रिपीट करना होगा. अब आपको सिमिलर पैटर्न में अपने नॉस्ट्रल्स से शुरू करते हुए अपने माथे के साइड तक आना होगा और इसे 3 बार रिपीट करना होगा. नेक्स्ट आपको अपने गालों से शुरू करना होगा और माथे के बाजू तक आना होगा इन सिमिलर पैटर्न, और उसे 3 बार रिपीट कीजिए. अब सिमिलर पैटर्न में आपको अपने चिन से शुरू करना होगा और माथे के बाजू तक आना होगा और इसे 3 बार रिपीट कीजिए. स्टेप 3 स्ट्रोकिंग. इस स्टेप में आपको स्टेप 1 के सारे स्टेप्स सिमिलरली रिपीट करने होंगे. मसाज करते समय आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा, जैसे पहला आपके सारे स्टेप्स
माथे के बाजू में एंड करें, जिससे अगर आपके फेस पर स्वेलिंग होगी तो वो माथे के बाजू के लिम्फ नोड्स में ड्रेन हो जाएगी। दूसरा, तीनों स्टेप्स करते समय ध्यान रखिए कि आपका पूरा चेहरा कवर होना चाहिए। स्टेप 4, पहले आप थोड़ा ऊपर देखिए, फिर अपना हाथ चिन के नीचे प्लेस कीजिए और प्रेशर देते हुए धीरे से नीचे स्लाइड कीजिए। इस स्टेप को 3 बार रिपीट कीजिए। स्टेप 5, अपनी उंगलियों को लोअर जॉ के नीचे प्लेस कीजिए और प्रेशर देते हुए धीरे धीरे नीचे स्लाइड कीजिए। इसे 3 बार रिपीट कीजिए। स्टेप 6, नेक मसल रिलीज। नेक मसल को रिलीज करने के लिए आपको जिस साइड का मसल आप रिलीज कर रहे हो उसके ऑपोजिट साइड फेस को टर्न करना होगा और ऑपोजिट हाथ से नेक मसल पे हैंड प्लेस कीजिए, थोड़ा प्रेशर देते हुए ऊपर स्लाइड कीजिए और इसे 3 बार रिपीट कीजिए।